हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन माय चैनल सूर्य ट्रिपल सी तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपलोड की है, और ये आज 23 मार्च 2019 यानी कल जो डे बीत गया है, तो उस दिन जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो, या UP SSC, मंडी परिषद, OPSC जो भी एग्ज़ाम हो उससे संबंधित ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी संबंध में और ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स में आने वाले एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे वीडियो को अंत जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, 22 मार्च 2019 की न्यूज़ है। लीलाधर जगूड़ी ने जीता व्यास सम्मान 2018। यानी क्वेश्चन आएगा 2018 का व्यास सम्मान कौन जीता, तो लीलाधर जगूड़ी ने व्यास सम्मान जीता। व्यास सम्मान के बारे में बात करते हैं। व्यास सम्मान एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं, तो 1991। लेकिन बात करते हैं पिछले साल 2017 में जो व्यास सम्मान मिला था, वो मिला था ममता कालिया को उनकी रचना दुखम सुखम के लिए। यानी कि 2017 के लिए पूछा जाए व्यास सम्मान, तो ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए। और अब 2018 में जो है तो दिया गया है लीलाधर जगूड़ी को, और जो उनकी काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया जा रहा है। अगला है, करमवीर सिंह होंगे भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख। करमवीर सिंह होंगे भारतीय नौसेना का के अगले प्रमुख, जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लगा भी रखा है कि कौन होंगे नौसेना प्रमुख नए, तो करमवीर सिंह होंगे भारतीय नौसेना के प्रमुख। वर्तमान में सुनील लांबा हैं, एडमिरल सुनील लांबा हैं, जिनका कार्यकाल 31 मई तक है। यानी इसी साल 31 मई 2019 तक इनका कार्यकाल रहेगा, फिर इसके बाद करमवीर सिंह कमान संभालेंगे। यानी कि नौसेना प्रमुख कौन होंगे, करमवीर सिंह। अगले, यहाँ पे CBSE बोर्ड ने लॉन्च किया शिक्षावाड़ी ऐप। तो शिक्षावाड़ी ऐप किसने जारी किया, CBSE बोर्ड जो है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, उसने शिक्षावाड़ी ऐप शुरू किया है। अगला है, गौरी सावंत को भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यानी कि पहला जो ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर है उन्हें गौरी सावंत को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो है सुकुमार सेन थे। 1950 से 1958 तक कार्यकाल रहा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, चुनाव चल रहा है इस समय। तो बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के, प्रथम जो थे वी सुकुमार सेन थे, दूसरे थे KVK सुंदरम थे। बात करते हैं वर्तमान की मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो इस समय सुनील अरोड़ा जो 2 दिसंबर 2018 से अब तक कार्यरत हैं, कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। सुनील अरोड़ा प्रेजेंट टाइम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं अपने भारत देश के। दोस्तों, 23 मार्च के एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में किस देश ने अपने देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख लिया है। राष्ट्रपति नूर सुल्तान के नाम से किस देश ने राजधानी बनाई है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान देश जो है अपनी राजधानी बदलकर नूर सुल्तान रखा है। अगला, किस देश की कस्टम ऑटोमोबाइल कंपनी लॉजरेथ ने उड़ने वाली मोटरसाइकिल बनाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। फ्रांस देश जो है उड़ने वाली मोटरसाइकिल का निर्माण किया है। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात में हुए विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते, तो इसका करेक्ट आंसर है 368 मेडल भारत ने जीते। अगला, निम्न में से किस बल्लेबाज को देश का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर जो 2019 चुना गया है वो है केन विलियमसन चुना गया है देश का प्लेयर ऑफ द ईयर, न्यूजीलैंड के कप्तान
केन विलियमसन को। अगला है, लांसेट रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में किस बीमारी से निपटने के लिए रोधी दवा का सफल परीक्षण किया गया है? तो यहाँ पे मलेरिया दवा का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों ये थे कुछ टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 23 मार्च के। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के साथ।